अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको शाही लज़त में बताने जा रहे हैं संदेश बंगाली स्वीट। ओके, ठीक है। मैंने 1.5 लीटर दूध ली हूँ और उसका मैंने छेना बना दी हूँ। और आपको अगर छेना बनाना नहीं आता है तो मेरी दूसरी डिश है जिसमें मैंने रसगुल्ला बनाई हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताई हूँ कि छेना कैसा बनाना है। इसीलिए मैं इस वक्त छेना तैयार रखी हूँ कि बार बार बताने से वीडियो लेंथी हो जाती है। तो मेरे 1.5 लीटर का छेना है। मैंने पनीर नहीं लियो, मैंने छेना लियो। आप देख सक रहे हैं ना, ये छेना है, ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मैंने 3/4 कप शुगर लियो और उसको ग्राइंड कर लियो। मैंने थोड़े पिस्ते लियो डेकोरेशन के लिए। इलायची पाउडर 1 टीस्पून लियो। थोड़ी सेफ्रॉन लियो डेकोरेशन के लिए और कोको पाउडर लियो। सबसे पहले तो हमको इसको एक प्लेट में डाल के अच्छे से मलना है, एकदम सॉफ्ट करना है। इसके बाद मैं आपको इसको हाथों से ऐसा उंगलियों से उंगलियों से ऐसा कर करके पूरा क्रीमी करना है। देखो मैंने 2 मिनट हो चुके हैं मगर मैं और मलते जा रही हूँ। मुझे एकदम सॉफ्ट चाहिए, जो छेना है वो एकदम सॉफ्ट चाहिए और मुझे ये हथेली से मलना है, ठीक है। देखो मैं ऐसा और 3 मिनट करूँगी, 2 या 3 मिनट करूँगी और इसका टेक्सचर देखूँगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इतना इसको सॉफ्ट कर लेना है हमारे हाथों से, एकदम क्रीमी टाइप छेने को। अगर हम पनीर लाएंगे तो वो नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए छेना ही लेना है और घर में ही बनाना है। आपको मैंने बता दी कि किधर बन किधर है, मैंने रसगुल्ले के इसमें बताई हूँ आप लोगों को, तो आप वहाँ से देख कर बनाइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। वाकई में आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी इंशाल्लाह रहमान नई नई रेसिपीज देखेंगे। और लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए। ये देखो ये हमारे 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डाल देंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा अच्छे से सौते करेंगे। हमको ज़्यादा सौते नहीं करना है, इसको थोड़ा ही करना है। वापस इसको छेना नहीं बनाना है, ठीक है, हमको इसकी स्वीट बनाना है ना। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी पाउडर शुगर डालेंगे। मैंने इसमें शुगर डाल दी, अब ये पक रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम दूध का पाउडर डाल देंगे और ये इलायची डाल देंगे, इलायची पाउडर, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं है, एकदम लो फ्लेम पे। शक्कर थोड़ी चाशनी छोड़ेंगे अपनी, लेकिन हम उसको भी मिक्स करके सब एक जैसा कर देंगे। मैंने इसको 4 मिनट्स तक इसके अच्छे से मोनोफाई कर दियो। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कोको पाउडर हाफ में और हाफ हम वाइट रखेंगे। हम हाफ निकाल रहे, ठीक है। थोड़े हम चॉकलेट वाले बनाएंगे, थोड़े हम सादे बनाएंगे, 2 टाइप्स के बनाएंगे। 2 टेबलस्पून हम कोको पाउडर डाल देंगे इसमें और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी देखो ये सब ठंडा हो रहा है, मैंने बना के रख दी हूँ, एक वाइट और एक कोको पाउडर डाल के चॉकलेट में, ठीक है। इसको थोड़ा ठंडा होने दो, आपको मैं बना के बताती हूँ। ये देखो हम ये जो चॉकलेट का सिलिकॉन का ये रहता है जिसमें हम चॉकलेट सेट करते हैं, वो मैंने ली हूँ, ठीक है। उसमें मैंने हाफ वाइट लगा दी, 3/4 वाइट लगा दी और ये हाफ ब्राउन लगा दी जिसमें हम चॉकलेट सेट करते हैं सिलिकॉन के शेप जिसमें निकालते हैं उसमें। ये देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सेट होने देंगे थोड़ी देर और इसको सबको बनाते जाएंगे। इसको बराबर लेवल में करके एक 10 मिनट्स के लिए हम फ्रिज को फ्रिज में रख देंगे सारे बना के, आगे आपको बताते हैं। एकदम हल्के हाथ से देखो मैंने ये सिल्वर फॉइल लगाई, इसके ऊपर वाइट वाला मिक्सचर डाली हूँ और इसको हल्के हाथ से, ठीक है, बड़ा करूँगी एकदम हल्के हाथ से, जितना बड़ा हो सकता है। अगर आपको इससे नहीं होता तो आप इसको ऐसा भी बड़ा कर सकते, ठीक है।
ये ऐसा, ये देखो हम ये ब्राउन वाले का रोल बना रहे हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर रख दी मैंने आराम से, सिल्वर फॉइल को फोल्ड करी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखो रोल मिलेंगे, ये देखो। अब देखिए कितना अच्छा रोल बन गया ये हमारा। और इसके ऊपर फिर से हम इसको रोल कर लेंगे। अब इसको हम 1 आवर के लिए रख देंगे फ्रीज़र में, मगर हम इसको पहले बराबर कर देंगे। यहाँ पर ये पिस्ता डाल देंगे और ये रोल इसके ऊपर रख कर इसको सब तरफ से बराबर से दबा देंगे। हर तरफ से पिस्ता दोनों तरफ से लग जाएगा, साइड से और पीछे एक तरफ से लग जाएगा बस। और इसको ऐसा करके टाइट रोल बना के हम अब इसको फ्रीज कर देंगे। ये देखिए 10 मिनट्स के बाद हम सारे संदेश निकाल रहे हैं। अब देखो मैंने ये मोल्ड में डालकर बना लियो ताकि बच्चे भी शौक से खाए, और कोई डिजन बनती है तो बड़े भी शौक से ही खा लेते, कुछ अच्छा लगता है तो। यहाँ पर हम एक एक सेफ्रॉन की पत्ती रखते जा रहे हैं, ठीक है, सब पर, ताकि कुछ अच्छा दिखे। वाइट के ऊपर हम रख रहे हैं और उसके ऊपर थोड़े पिस्ते रख देंगे। ये देखो हम यहाँ पर पिस्ते लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 1/2 आवर के बाद निकाल दिए, ये देखो। अब देखें अब इसको एकदम लाइट हैंड से हम कट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जैसा आपको राउंड काटना है राउंड काटे, ऐसा स्लैंट काटना है स्लैंटिंग में काटे। ये हम ऐसे रखेंगे, ये आप लोग भी ऐसे बनाना। मैंने एक राउंड शेप में बनाई हूँ पिस्ते लगाकर, और एक ही कार की शेप में बनाई हूँ, ठीक है। आप ज़रूर बनाना और मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़।